जस्ट भी देख रहे हो तुसी, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट वे तुहाडा स्वागत करदा। गल अमरीका की होगी जिथे जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक शख्स है जिसकी मौत हो गई, पुलिस से इल्जाम लगी है। एक वीडियो भी तुसी वायरल होता देखा होगा जिस विच गोडे नाल धोन नपी जा रही है, तो उदों उस शख्स है जिहड़ा जॉर्ज फ्लॉयड, वह कहिंदा कि मैं साह नहीं लै पा रहा, तो उसकी मुहिम शुरू हो जाती है। पर इस मुहिम का सेक है जिहड़ा वो कई मुल्कों तक तो पहुँचता पर वाइट हाउस तक पहुँचा, वाइट हाउस के अगे मुजहरे हो रहे हैं, इतों तक कि अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप नूं बंकर विच भी जाना पिया। पर सवाल यूएन तक भी पहुँच गया, तो यूएन ने यह भी कह दिता कि सानू सिखलाई देनी पवेगी। तो जदों सिखलाई देने का मसला आता तो फिर पूरी दुनिया सामने यह सवाल खड़ा होता कि जदों करोना के खिलाफ जंग लड़ी जाती पी हो उदों अमरीका विच अग लगी पई है, तो उदों यह सवाल पूछना लाजमी है। कहिंदे जदों अग लगती है धुआं उठता तो फिर सह लेना औखा हो जाता है, तो जॉर्ज फ्लॉयड भी अखीर में यही कह रहा है, असं यही सवाल पूछ रहे हैं, अमरीका में किस लिए सह लेना औखा। वड़ा सवाल इको पूछा जाएगा इस चर्चा में, वड़ा सवाल यह पूछा जाएगा कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत नाल पूरी दुनिया के सामने किहड़ा सवाल खड़ा होया। इस सवाल पर चर्चा करांगे, पैनल साडा मौजूद हैगा, उन्हां तुहाडा तारुफ करा रहा मोहम्मद खालिद, ये पोलिटिकल एनालिसिस तौर पर विचरते हैं, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नूं सुपर पावर अमरीका नूं, अमरीका दे विचाले किहड़ी राजनीति चलती है उस नूं बेहतर तरीके नाल समझदे आ। मोहम्मद खालिद साहब तुहाडा सर तुहाडा बहुत स्वागत है। संजीव पांडे सीनियर जर्नलिस्ट ने, संजीव पांडे हरां दे अक्सर तुसीं आर्टिकल पढ़ते होंगे कि विदेशी नीति ते किस तरीके नाल सारा कुछ किया जा रहा है, तो अमरीका में जदों ये नस्ली हिंसा का मामला सामने आता, नस्ली टिप्पणियों का मामला सामने आता, तो उदों संजीव पांडे हरां दी कलम बहुत कुछ लिख दिंदी है, तो इन समझ की कोशिश करा कि यह रंग भेद वाली राजनीति हैगी है, उनका असल विच किहड़ा रंग हैगा, तो वाइट हाउस का किहड़ा रंग है जिहड़ा बाहर निकल के आ गया, तो अमरीका दे विच चोणां हैगियां, तो उनका सारी चीज़ों का होने वाले मसले नाल मतलब है कि वह सब कुछ पांडे साहब समझ की कोशिश करेंगे। संजीव पांडे सर तुहाडा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू संजीव पांडे साहब, तो पहला सवाल तुहानू ही करना चाहूँगा। संजीव पांडे, इस गैर गोरे शब्द वरत के इस डिबेट नूं अगे वधाया जाए जां गोरे काले दी दे विच फर्क जिहड़ा उस नूं समझ के अगे वधाया जाए? देखो, गोरे काले दी फर्क समझ के आगे बताओ या गैर गोरे दा समझ के बताओ, ये बेसिकली रेशियल और एथनिक वायलेंस है एक तरह से, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, और ये एक अमेरिकन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सच सामने लाया है कि जो दुनिया का एक बहुत बड़ा डेवलप कंट्री इकोनॉमिकली साइंटिक्स साइंस के फील्ड में, मतलब कि हर जगह एक क्लेम करता है कि दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई डेवलपमेंट का मॉडल है तो साढ़े कोल है, उस डेवलपमेंट के मॉडल बिच अगर कोई नस्ल और एथनिसिटी के नाम पर वायलेंस हो और ये लगे कि कोई तुसी साउथ एशियन मुल्क बीच जो एक एथनिक और कास्ट और रिलीजन के बेस पे जो वायलेंस होता है वो सेम वायलेंस सीवेस में हो रहा है, तो ये कह सकते हो तुसी कि दुनिया तक कोई भी ऐसा कोना फिलहाल नहीं है जो ये क्लेम करे कि असी ह्यूमन राइट्स द प्रोटेक्शन है या डेमोक्रेसी सबसे जो हाई आइडियल जो एक स्टेज होता है वो असी प्राप्त कर गए हैं। ये अमेरिका का एक वायलेंस ये दिखा रहा है आर्थिक तौर पर किवें अगे वधना, आधुनिक तौर पर किवें अगे वधना, हर चीज असी अमरीका की सलाह लैने, अमरीका के बारे डिबेट करते हैं, ये उही अमरीका जिथे सवाल खड़ा होया, तो पांडे जी इस अमरीका नूं लांबा कौन देवेगा? देखो मेरी गल सुनो, जो अमेरिका देखो 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिकन पावर द इमरजेंस हुआ, तो वो पावर द इमरजेंस के बाद जो पावर में होता है ओदी हर नजायज गल और जायज गल पूरी दुनिया में सही मारी जाती है, उन्हों प्रोजेक्ट करन दा एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है। आज अमेरिका के पास टोटल जितने भी वर्ल्ड के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने वो अमेरिका के कंट्रोल चे हैं,
तो वो जो भी रिपोर्ट देंगे चाहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन दर्ज देंगे चाहे रिलीजियस वायलेंस करेंगे तो वो तुसी डिबेट कर दे हो मानते हो, लेकिन इन फैक्ट अमेरिकन सोसाइटी ने या अमेरिकन जो मैनेजमेंट है डेमोक्रेसी है या कॉरपोरेट्स है वो पूरी दुनिया में लैटिन अमेरिका से लेके एशिया तक उन्होंने की ह्यूमन राइट्स के नाम पे और डेमोक्रेसी के प्रोटेक्शन के नाम पे की किता है सारी दुनिया के सामने है। ठीक ठीक है पांडे जी, तुम जो इशारा कर रहे हो कि यह पहला मामला नहीं है, इस तो पहला भी कई मामले सामने आए हैं। मोहम्मद खालिद साहब सर, सवाल यह है कि अमरीकन समाज जाग गया जां संजीव पांडे जी में कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है सारा कुछ, ये दो नुक्तियों मैं सर किस तरीके समझा? देखो इदा के पी जी के जे इस वेले आप अमेरिकन सोसायटी देखते हैं अमेरिकन सोसायटी दे विच बड़ा एक डीप वेज है ब्लैक ते वाइट दे विच। वो वेज अज दा नहीं है, वो वेज बहुत पुराना है, वो जड़ी विच एक खाई है वो बहुत पुरानी खाई है और अमेरिकन सोसायटी ने कदे भी ब्लैक्स नू अपने अंदर सुखावे ढंग दे नाल इंटेग्रेट करन दी कोशिश नहीं कीती। ब्लैक अमेरिका और वाइट अमेरिका दो सैपरेट एंटिटीज हैं आप सारे जानते हैं। उसके बाद देखो तुसी पांडे जी ने इशारा किया 1945 दा जिस वेले सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुई है उसके बाद अमेरिका एक सुपर पावर बन के उभरिया। तुसी देखो 1954 तो लैके 1968 तक तुसी देखो 14 साल तकरीबन 13 साल अमेरिका दे विच सिविल राइट मूवमेंट चली। वो सिविल राइट मूवमेंट भी कादी सीगी, वो भी ओदा जिहड़ा बेसिक कॉज सीगा वो रेसिज्म सीगा ते इनइक्वैलिटी। इहदा मतलब है रेसिज्म ते इनइक्वैलिटी अमेरिकन समाज दे विच अज दी नहीं है, वो उत्थे पनप भी रही है और उहनू उत्थे जिहड़ा वाइट समाज है उन्हों कोई बुरा भी नहीं समझता जिदी वजह करके उदी रिफ्लेक्शन जिहड़ी है वो पुलिस दी ब्रुटैलिटीज दे विच आउंदी है। पहला भी पुलिस ने किस तरह दे नाल 2-3 साल पहला एक ब्लैक नू मारिया, आ जिहड़ा हैगा इन्नी घिनौनी हरकत जिहड़ी कीती है इहदा मतलब है कितना कितने समाज दा दी अप्रूवल है या समाज ओह तों अखां उल्ले कर लैंदी है भी कोई नहीं इहनां नाल हुंदा होई जावे। इस करके सिविल राइट मूवमेंट जिहड़ियां हैगियां बेसिकली ओह हैगा इस समाज नू देखण दा तरीका कि सिविल राइट मूवमेंट्स या सिविल राइट्स जिहड़े ब्लैक्स दे हैगियां उहनां नू मिलदे आ या नहीं मिलदे। मोहम्मद खालिद मेरा सवाल यह सीगा सर कि जिस तरीके ना साडे कंट्रीज दे विच ये सब कुछ हो जाए तो बहुत वड्डा मुद्दा बनता, अमरीका विच होया मुद्दा किन्ना लई बनिया, साडे इत्थों टिप्पणियां किन्नियां कीतियां जांदियां? सवाल यह भी है मोहम्मद खालिद एक। दूजा सवाल यह है अमेरिका इत्थे हर मामले दे विच दखल दिंदा, चाइना नाल विवाद होवे मैं विचोला बनूं तैयार हाँ, पाकिस्तान नाल विवाद होवे मैं विचोला बनूं तैयार हाँ, इत्थे विचोला कौन बनूगा उहनां दा ट्रंप दा? खालिद साहब देखो इदां ये गलती जिहड़ी हैगी है या ये कमजोरी साडी है कि असीं उहनां नूं मोहरी बना के चौधरी बना के मूहरे कर लैंदे आ, ये साडी गलती है। जबकि असीं क्यों अमेरिका नूं या ब्रिटेन नूं या इन्हां पावर्स नूं अपने तो उपर रख के देखिए आपां आप बहुत तरक्की कर चुके हैं। जिथे तक सवाल हैगा कि जिहड़ा अमेरिका है अमेरिका दीआं जिहड़ियां एजेंसीज हैं उहनां वल असीं किवें देखदे हैं या क्यों वह कहिंदे हैं, तुसीं देखो भी ट्रंप जिहड़ा हैगा वह हमेशा या अमेरिका एज सच किसी भी इशू के उपर इंटरफेयर करता है चाहे वह सिविल राइट्स हो। मैं दो एग्जाम्पल्स दूंगा तुसीं सुन लेना ध्यान नाल। सब तो ज्यादा एनवायरमेंट खराब करने वाले यूरोपियन पावर्स हैं और अज सानू एनवायरमेंट का सबक सिखा रहे हैं। सब तो ज्यादा ह्यूमन राइट्स दी वायलेट्स यूरोप दे विच हुई अमेरिका दे विच हुई अज सानू ह्यूमन राइट्स दे वायलेशन सिखा रहे हैं दे बारे गल कर रहे हैं। इहदा मतलब यह हैगा कि उहनां दीआं अपनियां कमियां ने उहनां कमियां नूं बजायज दे के असीं उजागर करिए उह उहदे पर परदा पा के सानू जिहड़ा हैगा एडवाइस करना शुरू कर दिंदे। यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट तुसीं चक्के आ मोहम्मद खालिद। मेरा सवाल यह है इत्थों दे प्रधानमंत्री मोदी साहब नूं इहदे ते कोई टिप्पणी करनी चाहीदी है? मैं कहा जी टिप्पणी नहीं, मोदी नूं मोदी और जिहड़े साउथ एशियन पावर्स है उहनां नूं कहना चाहीदा कि असीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? मोदी साहब का कमेंट करने का की इंपॉर्टेंस यूएस में जाऊंगा
क्या की उहदा अफेक्ट पड़ूगा, ये सब देखने वाली गल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इंडिया इस पोजीशन में नहीं है, एक रियल जियो पोलिटिकल पोजिशन में नहीं है कि अमेरिका के सामने मोदी कमेंट करण। क्योंकि तो देखो, अगर 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 तुसी अमेरिकन मसले पे अगर कमेंट करोगे तो अमेरिकन के पास ये रिप्लाई है कि थोड़ा कि एक राइट या कोई कौन सा नैतिक मतलब कि एक अधिकार है थोड़ा कि तुसी कमेंट करो, जब थोड़े या खुद ही रिलीजियस वायलेंस और तमाम चीज सामने आ रही है। तो मैनू लगता है कि एक तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसा टकराव नहीं लेना चाहूंगी। देखो, एथिकली तो कमेंट करना चाहिए था कि वहां पे जो भी एक हाँ जो मतलब कि जो वहां पे कुछ होया है, तो अगर एक वर्ल्ड वर्ल्ड एक बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी था, तुसी अगर क्लेम कर दे हो तो थोड़ू एक जो उत्ते रेशियल जो वायलेंस हुआ कमेंट करना चाहिए था। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है। अगर तुसी प्रैक्टिकल सिचुएशन देखोगे तो अमेरिका के सामने इस समय कमेंट करने की स्थिति च साड़ी सरकार नहीं है, ठीक ये ठीक है एक ठीक है सर, एक्चुअल पोजीशन है। ठीक है। तुम एक्चुअल पोजीशन दसी है। मैं खालिद साहब थोड़े को वापस आऊँगा, एक छोटा ब्रेक लेना, ब्रेक तो वापस आऊँगा। ब्रेक तो वापस आके सवाल होगा जरूर $20 के एक मसले पिछे जिंदा पता भी नहीं सीगा उस विच कितना सच है। एक 45-46 साल का एक शख्स है जिहड़ा उसनू मार दिता जाता है, पुलिस से सवाल खड़े होंगे है। इत्थे कहा जाता है कि पुलिस है वो साडे वाली खराब है की है, पर उत्थों वाली पुलिस कितनी चंगी है कि उन्होंने कई डाटा है जो साडे कोले पए है, किहड़े किहड़े साल कदों कदों की कुछ होया। तकरीबन हर एक मामलों च पुलिस का रोल बहुत वड्डा है, जिंदे विच अगस्त 1965, जुलाई 1967, अप्रैल 1968, मई 1980, अप्रैल 1992, अप्रैल 2001, अगस्त 2014, अप्रैल 2015, सितंबर 2016, मई 2020 होने वाला मामला, ये सारे मामले मेरे को इकट्ठे पए है सारे। इन्हां दी रिपोर्ट है अमरीका कदों बना के पेश करेगा। सवाल अमरीका की इस पॉलिसी पर भी है कि है, क्योंकि दूजियां बारे तो कहते हैं कि मनुखी अधिकार उलंघना होगी तो गैर बराबरी वाला वर्तारा हो गया, तो जो UNHRC की रिपोर्ट आ जाती है उदों अमरीका की कहता, तो हूँ UN ने जी टिप्पणी की है उनते अमरीका की कहेगा। ब्रेक तो वापस आके सारे सवाल हो जरूर कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत नाल पूरी दुनिया के सामने किहड़ा सवाल खड़ा होया। मोहम्मद खालिद, तुसी कमेंट करना चाह रहे थे संजीव पांडे हरां दी इस टिप्पणी ते। देखो सर, वो सवाल मैं ये सीगा, खालिद साहब सवाल वो सीगा, संजीव पांडे हरां ने जिस तरीके नाल इस नूं बयान किया उहदा मतलब ये बनता है कि किते ना हो जाए कि सदी ना बुलाई में लाड़े दी ताई। नहीं, तुसी एक गल देखो केपी जी, कि जिस वेले अमेरिका दी कांग्रेस दे विच कमेटी बनती है और कमेटी साड़ी ग्रेडिंग कर दी है कि रिलीजियस टॉलरेंस कितनी हैगी है, तो असी क्यों नहीं उत्थे दी इनटॉलरेंट सोसाइटी दे बारे कमेंट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जब असी क्लेम करते हैं कि असी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी का प्रिंसीपल है कि जिथे भी सिविल लिबर्टीज की वायोलेशन होएगी उहदे उपर कमेंट नहीं, उहदी तुर अपोजिशन करनी बनती है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होने के नाते। इस करके जे अगर तुसी इस वेले अखां मीच के बह जाने हो एडा वड्डा मसला जिहड़ा हैगा अमेरिका च हो रहा और तुसी उहदे पर कमेंट ना करो, इहदा मतलब है तुसी अपनी जिम्मेवारी तो भज रहे हो। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिंदा, जिस वेले सोवियत यूनियन ने इंटरवीन किया अफगानिस्तान दे विच, इंदिरा गांधी की सरकार सीगी और इंदिरा गांधी ने खामोशी वरतना ठीक समझा क्योंकि सोवियत यूनियन दोस्त सीगा। यही सिचुएशन अज हैगी है, अमेरिका नाल असीं पिंगा दा वधाई जा रहे हैं, लेकिन क्या असी अमेरिकन सोसाइटी दे विच हुंदियां ये सारिया कुताइया नूं अखां उल कर सकते हैं एज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इस करके ना केवल साडी सरकार, जिन्निया भी NGO जिन्ने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हां सारिया नूं इस चीज की पट्टी पट्टनी चाहिए है, कंडेम करना चाहिए है अमेरिका दे विच जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ये साडी मोरल रिस्पोंसिबिलिटी है और साड़ी एक डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है संजीव पांडे, यूएन की टिप्पणी ते होना अमरीका की कहना चाहिए? यूएन की टिप्पणी है कि सिखलाई देनी पेगी, सानू दसना पेगा कि मनुखी अधिकार की होंगे, सानू बराबरी दसनी पेगी, तो इस कमेंट ते होना अमरीका की बोलूगा, राष्ट्रपति की बोलेंगे ट्रंप साहब? यूनाइटेड नेशंस बाहर नहीं है, पहली गल ये सुन लो, यूनाइटेड नेशन इज जस्ट सब कुछ हाई वाश है। यूनाइटेड नेशन की अमेरिका से पूछताछ कर रहा है, फिर असी सर यूएन तो कोई कमेंट होता असी तो उनते बैसा छेड़ लेने बड़ी बड़ी पांडे साहब, मेरे तो सवाल यही है। हाँ, तुसी ये देख लो कि दुनिया विच जितने भी यूएन ने अभी तक जो कुछ भी कम किया है उसका की आउटकम आया है, पहली बात। दूसरा, यूएन पे सर्टेन जो वर्ल्ड पावर्स है उनका कंट्रोल है,
बहुत लंबे समय से यूएन पे अमेरिका का कंट्रोल रहा है, इस समय चाइना स्ट्रांग हो रहा है, अमेरिका का मतलब कि एक टकराव है यूएन के अंदर भी। यूएन का पार्टिसिपेटरी जो एक कंट्री का जो एक बजट है, फाइनेंस है, बहुत कुछ यूएन का पॉलिसी वो फाइनेंस पे डिपेंड करता है। तो ये जो एक्चुअल जो फैक्ट है उससे तुम इग्नोर नहीं कर सकते ना कि यूएन अगर अमेरिका तो हिसाब मांग रहा है, अमेरिका अमेरिका कितना हिसाब देगा एक टाइम बता दूंगा। आज तक यूएन ने वेस्ट एशिया से लेके पाकिस्तान से लेके पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका तक अफ्रीका तक जिनने भी प्रपोजल पास किते वो सब अमेरिका गाइडेड प्रपोजल है यूएन ने जो भी पास किते। तो ये तुसी कह रहे हो कि यूएन हिसाब मांग रहा है अमेरिका हिसाब दे दूंगा, मैनू लगता कि अमेरिका को हिसाब देने का मतलब कि यूएन बहुत बड़ा यूएन कुछ समझता भी है अमेरिका, मैनू तो नहीं लग रहा कि वो क्या अमेरिका जवाब दूंगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी गल है ना कि ये डिबेट ये होना चाहिए कि अमेरिकन सोसाइटी आखिर किस लेवल पे है। देखो 2014-13 में से लेके अब तक अमेरिका में बता रहे हैं कि पुलिस एट्रोसिटी में या पुलिस के कार्रवाई में नियर अबाउट 8,000 ब्लैक्स मारे गए, और ये तब जब बराक ओबामा वहाँ उत्थे प्रेसिडेंट सी, एक ब्लैक प्रेसिडेंट, ब्लैक मतलब कि बैकग्राउंड का प्रेसिडेंट सी बंदा, और उदे कार्यकाल में भी उत्थे ब्लैक मारे गए पहली बार। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो डेमोक्रेट्स ने उठे, अभी भी डेमोक्रेट्स का जो रोल है वो बहुत सही मेनू नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप तो मान के चलो कि ट्रंप रिपब्लिकन ने, लेकिन जो उन्होंने अपोजिट डेमोक्रेट्स ने उन्होंने की रोल है पहली बात, वो जो एग्रेसिव पोस्टर डेमोक्रेट का होना चाहिए सी वो नहीं नजर आ रहा है। सेकेंड, अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम का की रोल है। तुम ये देखो कि 2014 में न्यूयॉर्क के अंदर और फर्गुसन के अंदर दो ब्लैक्स मारे गए थे, केरी गर्नर पुलिस के कार्रवाई में मारा गया सी और एक माइकल ब्राउन मारा गया सी। दोनों में जो अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम और जो वहां जब ज्यूरी सी उन्होंने पुलिस पे मुकदमा चलान तो एक जगह बरी कर देता एक जगह इनकार करता पहली बात। सेकंड बात ये है कि जो वहां के जो वहां का जो पुलिस वहां पे देखो ब्लैक 13% या 14% जी अमेरिका के अंदर, मैक्सिमम ब्लैक जो आए ना अफ्रीका से आए थे, ठीक है कि नहीं, और जो व्हाइट ने 60% है। तो जो पॉलिटिकली जो एक गेम है हो सकता है ये जो पूरा का पूरा जो ट्रंप गेम खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्शन के एंगल से भी ये गेम चले जा रहा है। ठीक है पांडे जी, मैं इस सवाल पर आऊंगा। मैं थोड़ा जहा जो सौखे शब्दों में समझा, जिमें भारत में घट गिनती का मसला उठता है उवें डेमोक्रेट्स से रिपब्लिकन की जिमें तुम गल कर रहे हो संजीव पांडे जी, मैं ये समझ आ रहा उत्थे भी वोटा का शास्त्र यही कहता कि जिहड़ा कमजोर है उन्होंने मार दो, तो इत्थे भी यही शास्त्र कहता, इसनों इस तरीके समझा संजीव पांडे जी। देखो अमेरिकन जो सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऐसे पूरी दुनिया को लगता है कि फुल्ली डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, बहुत बड़ा उत्थे अमेरिकन कांग्रेस है, अमेरिकन सीनेट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, सब कुछ डेमोक्रेटिक सब कुछ सारा सिस्टम है। लेकिन एक फैक्ट है कि अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है कंट्रोल्ड बाई कॉरपोरेशन, बिग कॉरपोरेशन, और अमेरिका चाहे डेमोक्रेट्स ने चाहे रिपब्लिकन ने वो अमेरिकन कॉरपोरेट और अमेरिकन जो कॉरपोरेशन के जो कंट्रोल में जो पॉलिसी बनती है उन्होंने उन्होंने इम्प्लीमेंट कर देने। तुम ये देख लो कि पूरे वेस्ट एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक चाहे उत्थे डेमोक्रेट्स आए ने चाहे उत्थे रिपब्लिकन आए ने, तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, देखो रेशियल वायलेशन सिर्फ अमेरिका के अंदर ही अमेरिका नहीं कर रहा है, पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिका ने की किता, अफगानिस्तान में की किता अमेरिका ने, इवन की तुम देख लो कि अफ्रीका में लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर और ये पनामा और ये सब तमाम देश का तुसी हिस्ट्री देख लो, अमेरिकन जो कॉरपोरेशंस ने अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स ने उत्थे जो नेटिव ने उत्थे दे जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हां दा नाल की व्यवहार किया है, तुसी तुरी अमेरिका का पूरा हिस्ट्री देखो। ममल खाली साहब, इन्हां ते अमेरिका दी हिस्ट्री नू आधार बना के इन्होंने कह दिता है कि अमेरिका की हिस्ट्री ये कहती है कि अमेरिकन सिस्टम है जिहड़ा वो ये चाहुंदा है कि हमेशा गैर बराबरी वाली डिबेट है वो चलती रहे, मनुखी अधिकारों की उलंघना होंदी रहे, उस दे बावजूद अमेरिका बाकी कंट्रीज बारे रिपोर्ट दिंदा रहे ते उन्हां दी विचोलगी दी गल ते उन्हां बारे बोलता रहे। देखो हिस्टोरिकली बिल्कुल सही गल है कि जिहड़ी अमेरिकन सिविल वार हुई सी 1861 तो लैके 65 तक, उस दे बाद जिस तरीके दे नाल जिहड़ा ब्लैक पापूलेशन दा अमेरिका दे विच आना, चाहे वह एज स्लेव आए चाहे वह होर काम वास्ते आए, उन्हां दे बारे वाइट पापूलेशन जिहड़ी हैगी है वह कदे भी कंफर्टेबल नहीं रही है, और उहदी वजह करके की हैगा
वाइट पापुलेशन जिहड़ी हैगी आ उहदे विच इक कंसोलीडेशन भी आई है जिहड़ी कि ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है, जिहड़ी ट्रंप नूं भी उसे तरीके दे नाल जिवें कहा जांदा है कि ही इज ए डिवाइडर इन चीफ इन अमेरिका, उहदी वजह करके आपां देखदे हां। सुनो सर, खाली साहब सवाल नूं अगे वधा रहा मैं, इस नूं ये मान के चलिए कि ये ट्रंप कार्ड है जिहड़ियां चोणां आ रहीयां उहदे लई इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस नूं इस तरीके नाल समझा। देखो जिस वेले ट्रंप ने सारे गवर्नर्स की मीटिंग की है परसों, उस मीटिंग दे विच उन्हें की क्या उन्हें ये गल कही है कि तुसी कमजोर हो, तुसी दबा के इस मूवमेंट नू खत्म करने की कोशिश करो, दबाओ। उहदा मतलब की है? उहदा मतलब यह है कि ब्लैक मूवमेंट है इहनू कुचल दिओ, उहदा मतलब यह है कि वाइट जिहड़ी वोट है उहनू कंसोलीडेट करो। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਦੇਖਿਆ, 1 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, 49% ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ 48% ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ, 47%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਸਪੌਂਸਰਡ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟੇਟ ਅਗਰ ਸਪੌਂਸਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੇਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਢੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਈਵਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਬਲੈਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਤਾਂ ਕਈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ ਔਰ ਰੇਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈ ਬਲੈਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਔਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਰੁਕੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਸੱਦ ਲੂੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਮੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਲੋਕਸ ਮੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੂਰਖ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਰਖ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਜੋ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਜ ਔਰ ਕੱਲ ਦੋ ਦਿਨ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਵਨ ਕਿ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜੋ ਸਨੀਲਾ ਜੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਿਆ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਨਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਟਰੰਪ ਟਾਵਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੈਲੀਓ ਮੇ ਜਾਣਾ, ਉਲੂਲ ਜਲੂਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ 49%,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੈਸ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ। ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ 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 ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਪੂਲਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸਰ ਇਹ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੱਲੇ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਲਓ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਇੱਕ 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 ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਇੱਕ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨੀ ਛੋਟ ਇਤਨਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਤੇ ਹੋ ਹਰ ਬਾਤ ਪੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲ ਪੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵੇਤ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਲੂਲ ਜੁਲੂਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓ ਕਿ 60% ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਰਸ਼ੀਆ ਮੇ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਮੇ ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਨੋਮਨਾ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਤੋ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਕੋਈ ਉਸਸੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜੋ ਲੈਵਲ ਪੇ ਟਰੰਪ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀਕ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਪੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡੀ ਹੈ ਕਈ ਮਸਲੋਂ ਪੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੇ ਲੈਵਲ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮੇ ਜਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਚਾਈਨਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਥੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਟਰੰਪ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਮੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸੀ ਮੋਨਾਰਕੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਨਾਰਕੀ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਪੈਸੇ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਤਨਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੰਪ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ? ਅਭੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦਾ ਜੋ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੁਰਕੀ ਮੇ, ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ, ਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਰ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਹਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਮੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜੋ, ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਢੰਗ ਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੇ ਪੁਲਿਸ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-12 ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਫ੍ਰੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਅਮੈਰੀਕਨ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਬੜੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪਈ ਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ 2016 ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 56% ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ, 8% ਗੈਰੇ ਗੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਨਾ, ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਚੋਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਬੈਸਟ
यूज इहदा किस तरीके दे नाल अपने नैक्सट वोटिंग पैटर्न नूं सैट करन वास्ते कीता जावे। लेकिन इहदे विच मैं दो चीज़ां केपी जी मैनूं जे तुसीं टाइम दिओ दो चीज़ां बड़ी इंपोर्टेंट कहना चाहुंदा। पहली चीज़ तां हैगी है कि जिहड़ी चाइना दे होंगकोंग दी गल हुई है और ट्रंप ने कहता कि जिथे तक सवाल हैगा सरहद दे लड़ाई दा जिहड़े साडे डिफरेंसिस है असीं इंडिया दे नाल खड़े हैं उतों ही सिद्ध होंदा है कि एक नवी किस्म की कोल्ड वार जिहड़ी हैगी है वर्ल्ड दे विच चलन वाली है। वह कोल्ड वार जिहड़ी हैगी है वह रशिया और अमेरिका दे विच नहीं चाइना ते अमेरिका दे विच होण वाली है। यह एक चीज़ जिहड़ी हैगी आने वाले दिनों दे विच क्लीयर होएगी चाहे WHO है WHO नूं फंडिंग घटाउणा है WHO तों बाहर निकलना है यह सारिया चीज़ा। दूसरी चीज़ बड़ी इंपोर्टेंट तुसीं देखोगे कि अमेरिका दे विच एक बंदे की डैथ हुई है और इस पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह करके और सारा कंट्री जिहड़ा हैगा वह सड़कों के उपर है उहदे विच कल्ले ब्लैक नहीं हैं उहदे नाल वाइट भी हैगे। लेकिन साडे कंट्री दे विच आ हुण ही तुहाडे जिहड़े हैगे आ किन्ने मजदूर मरे किन्ना होर मरिया किसी के कन्न ते जूं तक नहीं रिंगी सारे घरे आराम नाल बैठे हैं कोई मूवमेंट नहीं कोई हरकत नहीं कोई कुछ नहीं। इहदा मतलब है कि अमेरिकन सोसाइटी के लोग ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਰ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? कि देखो इंडिया में मूवमेंट पुलिस के खिलाफ अगर तुसी देखो तो ब्रिटिश इंडिया में मूवमेंट होया तभी थोनू आज़ादी मिलिया। मूवमेंट टाइम टू टाइम होती रही है लेकिन हाँ अभी फिलहाल ये सिचुएशन जो जिस ढंग से पब्लिक दा जो एक पांडे जी मैं इस करके सवाल कर रहा सीगा इत्थे पंजाब दे विच इन्ने नौजवान मारे गए सर पुलिस तशद्दुद दी वजह करके मैं इस करके सवाल खड़ा कर रहा सी इहो जी मूवमेंट खड़ी हुई है कदे? नहीं नहीं देखो मेरी गल सुनो पूरे देश से अकेला पंजाब की गल नहीं करो पुलिस का जो कल्चर है वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो सेम है पूरे बांग्लादेश में भी चले जाओ सेम है पुलिस का कल्चर। साडे पुलिस कल्चर में कोई अंतर नहीं है असी ब्रिटिश लॉ और ब्रिटिश पुलिस नहीं फॉलो कर रहे हैं ये एक चीज मान के चलो। थोड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक नया है लेकिन जो लॉ मैक्सिमम ब्रिटिश लॉ है पुलिस का कल्चर ब्रिटिश है चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो एक चीज ध्यान रखना पहली गल। सेकेंड अमेरिकन जो सोसाइटी जो है इंडियन सोसाइटी से डिफरेंट है इसमें कोई शक नहीं है और इंडिया में भी टाइम टू टाइम लोकल मूवमेंट होता रहा है। ठीक है उन्होंने कोई नेशनल शेप नहीं मिला इमरजेंसी के खिलाफ लोग उठे ही ना इमरजेंसी के खिलाफ सरकार बदली थी कि नहीं बदली थी। हाँ ये कह सकते हो कि अभी कोई ऐसा एक सिचुएशन बनी हुई है कि अभी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं ये कोई की कारण हो सकता है ये एक रिसर्च का विषय है। हो सकता है लोग आन अगर पुलिस का इसी ढंग से ब्रुटलिटी और इसी ढंग से पुलिस का अगर सिचुएशन चलता रहा तो लोग आ भी सकते हैं लेकिन तुसी आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि इंडियन सोसाइटी टोटली हमेशा पुलिस दे कंट्रोल पुलिस दे अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भी और एडमिनिस्ट्रेशन दे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्क रहा है उसके खिलाफ इंडियन सोसाइटी नहीं उठा है। इंडियन सोसाइटी में सरकारें बदली भी गई है। ठीक है पांडे जी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा। पांडे जी मैं एक सवाल ये कर रहा सी साडी कम्युनिटी है जिहड़ी उत्थे वो इस प्रोटेस्ट में शामिल है? देखो ये तो अभी मैं कह नहीं सकता कि दो दिन में इंडियन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो इंडियन वहाँ पे जो वोटर ने वो 40 लाख ने जो मैं स्टडी किया है एशियन अमेरिकन दा पॉपुलेशन है इंडियन सो दे बीच जो वोटर ने 40 ने और फ्लोरिडा में या किसी एक कैलिफोर्निया कौन से एक स्टेट में ज़्यादा कंसंट्रेशन है इंडियन वोटर्स का पहली बात। दूसरी बात कि ट्रंप
अगर पॉलिटिक जी, थोड़ी आवाज़ नहीं मेरे तक पहुंच पा रही पांडे जी, मैं कोशिश करूंगा दोबारा तेरे को आती। खालिद साहब तुम इस चर्चा को जी थोड़ा जी अगर बता दो। खालिद साहब मेरा सवाल यह कि जॉर्ज फ्लाइड है जोड़ा वो दो धियाँ एक 6 साल की वो धी हैगी इंसाफ मिलेगा जी कि नहीं मिलेगा? सर असी तो वर्ल्ड लैवल की चर्चा तो कर ली है, उन्होंने इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो इदा हैगा कि सब तो पहले तो गल है कि जेडे उहदे बच्चे हैं या उहदा ब्रदर है उन्होंने अपनी एक लीगल टीम भी बना ली अलग है। है, अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। जी पांडे जी आ रहे हैं, मैं आ रहे हैं सर, आ ओके रहे हैं पांडे जी आ रहे हैं तुहाडे कोल में। हाँ जी खालिद साहब, एसी एक लीगल टीम उन्होंने बना ली है और उन्होंने सपोर्ट भी कई जगह तो आ गई है और वो लीगल ढंग के नाल जो भी अमेरिकन लॉ के मुताबिक कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। और मैं उम्मीद है कि जिस तरह का प्रेशर बिल्ड हो रहा है लोगों वालों और जिस तरह का प्रेशर वर्ल्ड वाइड बिल्ड हो रहा है, तुम ये देखो भी सिर्फ अमेरिका के विच ही प्रदर्शन नहीं हो रहा है, आपने देखिया न्यूजीलैंड के विच भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के विच भी शुरू हो गए हैं और होर कई कंट्रीज के विच भी शुरू हो गए हैं। वो जब प्रेशर बिल्ड होएगा तो नेचुरली मैनू उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। और दूसरी गल ये है कि अमेरिका अपनी छवि नू अपनी जड़ी इमेज है उस इमेज नू बचाने वास्ते डेफिनेटली कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा हो, क्योंकि ये इलेक्शन दे विच एक वड्डा मुद्दा ट्रंप के खिलाफ ना बने और ट्रंप इनू अपने हक दे विच इस्तेमाल कर सके। इस करके उम्मीद है ठीक ठीक कि वो लीगल टीम अपना काम करे। मिस्टर ट्रंप बंकर च क्यों चले गए सी खालिद साहब? देखो जिस वेले भी कोई इस तरह का क्राइसिस आता है व्हाइट हाउस दे विच ता सब ते पहला काम हुंदा है कि प्रेसिडेंट नू सेव करना और उत्थों एक तरह कमांडिंग पोजीशन च आएगा ता उत्थे जेड़ा व्हाइट हाउस दे विच जेड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है, क्योंकि उन्हों पूरी तरह नाल मिजाइलां तो लेजर तो हर चीज के उपर उन्हों प्रोटेक्शन है। अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम उत्थे दे सिक्योरिटी एडवाइजर महसूस करते हैं कि प्रेसिडेंट दे उपर आ सकती है तो प्रेसिडेंट नू बचाउन वास्ते वो ब्रीफली या लेके गए सीगे ठीक है ओदी प्रोविजन है। ठीक है। पांडे जी एक सवाल सर तुहाडे को आखिरी में करना है, पहला तुसी गल कह रहे सी अपनी, मैं खालिद साहब नूं पुछिया सीगा जॉर्ज फ्लॉयड नूं इंसाफ मिलेगा, इन्हां ने आस जताई है इंसाफ मिलेगा। मेरा सवाल है कि दुनिया भर दी असीं चर्चा करदे हां, दुनिया नूं कोई सबक मिलेगा सर इस तों? देखो पूरी दुनिया नु ये पता तो चल ही रहा है ना कि अमेरिका जो वर्ल्ड का सबसे डेवलप कंट्री है उत्थे की हो रहा है, और पूरी दुनिया में लोग जागरूक हो रहे हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे रसिया हो चाहे अमेरिका हो, इवन वेस्ट एशिया इस्लामिक मुल्क में भी लोग अपने राइट्स मांग रहे हैं, ईरान में भी अपने लोग राइट्स मांग रहे हैं, सऊदी अरब में भी अपने राइट्स मांग रहे हैं। तो ये हर जगह, सऊदी अरब का देखो कई चेंजेज आ रहे हैं, वहाँ के जो प्रिंस है कई चेंजेज, कई राइट्स वुमेन राइट्स लेके आ रहा है, कई वुमेन नू राइट्स दे रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन एक चीज़ फिर देखिए, पूरी दुनिया में जो एक बड़ा बड़ा जो 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 इकोनॉमिक मॉडल जो पूरे वर्ल्ड का है ना, और कॉरपोरेट का इकोनॉमिक मॉडल है, उस इकोनॉमिक मॉडल में थोनू थोड़े बहुत राइट्स मिल जाएंगे, लेकिन टाइम टू टाइम जो मेन मॉडल है कि जो एक बहुत बड़ी आबादी नू बेसिक रिसोर्स से महरूम रखने का पॉलिसी आगे भी रहूगा, ये अमेरिकन सोसाइटी में सामने दिखा है। तुसी ये देख लो, 4 घटना देखो, 2014 में जो एरिक गार्नर की डेथ हुई, एरिक गार्नर की क्या, एरिक गार्नर का कसूर की सी? एरिक गार्नर का कसूर सी कि वो एक ऐसा सिगरेट बेच रहा सी जेदे ऊपर टैक्स पेड नहीं सी। ये इंडिया में नॉर्मल होता है, इतने पुलिस वाले और कॉरपोरेशन वाले पैसे लेके कंधे बेचो। सेकंड गल देखो, माइकल ब्राउन का जब पुलिस ने गोली मारा फर्गुसन में, वो छोटा मोटा चोरी का इल्जाम सी। इंडिया में चोरी नॉर्मल होता है, तुम इतने कह सकते हो कि इतने पुलिस गोली नहीं मारती चोर नू, ठीक है कि नहीं? थर्ड अभी देख लो, को बंदा की सी, कोई यारो एलिगेशन तो ही सी ना कि $20 नकली $20 उन्हें दिता सी, हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन का विषय सी कि डॉलर जो है वो नकली सी कि असली सी, लेकिन इतना क्रूएल सिस्टम सामने दिख रहा है। इंडिया में भी पुलिस की क्रुएल्टी होती है, लेकिन इस लेवल पे जो हो रहा है तो लगता है कभी कभी साथ लग रहा है कि साथी पुलिस ज्यादा अच्छी है। इतने छोटे छोटे चोरी में तुसी किसी को गोली मार दोगे, किसी को सड़क पे पीट के कूट के मार दोगे, ये किस तरह अमेरिकन सोसाइटी है? चलो बहुत धन्यवाद संजीव पांडे, तुहाडा मोहम्मद खालिद तुहाडा भी बहुत धन्यवाद, तुसी दोनों ने बड़े इंपोर्टेंट पॉइंट इस टू द पॉइंट विच रखे है, बहुत धन्यवाद तुहाडा। कुल मिला के ये सानू समझना पवेगा कि चाहे सुपर पावर कंट्री होवे, चाहे दुनिया का कोई भी कोना होवे, उत्थे रेजिस्टेंस दे
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਹਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਸਾਹ ਸੌਖਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।